एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का व्लॉग काफ़ी खास होने वाला, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज मैं जाने वाली हूँ एक मम्मी के लिए सरप्राइज़ लेने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, जिसे देख के मम्मी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। हाँ ठीक लग रहा है। काला आ रहा है क्या मेरा? थोड़ा सा एक तरफ लाइट आ रहा है, जहाँ से लाइट आ रहा है। अरे और काला हो गया थोड़ा, और अच्छा लग रहा है, पर ठीक लग रहा है, ठीक ही आ रहा है ब्रो। अच्छा लग रहा है ये शेड। हाँ बस हो गया, और कुछ मेरे को नहीं चाहिए, बस अब बैग को टांग है। सही है ना गर्मी का आउटफिट? हाँ, ट्रैक पैंट, नॉर्मल टॉप और साथ ही ये भी होगा। आपका बैग हमेशा जरूरी है। ये इसमें स्मार्ट भी लग रहा है, पर अभी क्या ही, पहले दूध तो चला ही है। हाँ चला गया, ओवर स्मार्ट बन गई, चश्मा लगा के जा रही है। अरे देख ना, जगह ही एकदम कवाड़ा हो गया। मैं हो गई हूँ नॉर्मल सी रेडी, मैंने कुछ लगाया वगैरह नहीं क्योंकि गर्मी बाहर बहुत है, क्या ही लगाऊं। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा देखती हूँ कहाँ जाऊँगी कहाँ नहीं, अभी सोचा नहीं मैंने। मतलब थोड़ा जाते हैं, शाम का टाइम हो गया है, घर पे बोर होते हैं तो चले जाते हैं कहीं। क्या एकदम साफ हो चुका है, साथ में चादर उधर सब लग गया है, टेडी बियर्स वहाँ लग गए, एक टेडी बियर वहाँ पड़ा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। रूम देख रहे हो एकदम साफ हो गया है। साथ में ये हमारा अल्कायंस, लेकिन इसकी लाइट पता नहीं, इसकी जो वो थी ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसकी वो जो थी ना कॉर्ड, वो खो गई है, मुझसे मिल नहीं रही है। तो आपको अगर पता है कि फिर ये चालू कैसे होगी तो प्लीज़ सजेशन करना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो बाकी ये मेरा रूम, और आप लोग ये देखो, साथ में खिड़की में अभी खड़ी होंगी, अच्छा लगेगा, व्यूज़ वगैरह सब अच्छे, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, अच्छी हवा चलती है रात में, नींद अच्छी आती है। मैं गिफ्ट लेके आई हूँ, तो वो गिफ्ट मम्मी को दूंगी, मम्मी देख के खुश हो जाएगी बहुत। तो चलिए चलते हैं, मम्मी को दे देते हैं। ये जो मैं मम्मी को देने वाली हूँ, तो ये ब्लू कलर का लेके आई हूँ, तो चलिए दे देते हैं। ये पापा गेम खेल रहे हैं, और मेरी बहन तोता के साथ पता नहीं क्या कर रही है, उसको मचकाती रहती दिन भर, कभी क्या कभी क्या, ऐसे डर ही नहीं लगता, हाथ घुसा रही देख रहे, मुझे तो डर लगता है कि कहीं काट ना जाए। तो मम्मी आपके लिए गिफ्ट है, इसलिए बैठ गया। हाँ, आपको पता चल गया था हम गिफ्ट लाया आपके लिए, देखना है। टन टन टन, ये आपके लिए। आपका मुंह क्यों बन गया, टॉफी बोल रही है, मुंह क्यों बन गया, नहीं अभी आपका मुंह बना था, क्यों बना, मम्मी का मुंह बना ना, साड़ी अच्छा, आपका मुंह क्यों बना था ये बताओ हमको, आपको साड़ी पसंद नहीं आया क्या, नहीं आया ना, नहीं आया ना, अभी खोल के देखो, कुर्ती आप पे अच्छा नहीं लगता, आप साड़ी पहनो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सीधा पूरा खोलो साड़ी को, आधा दो दो ना, बॉर्डर बहुत छोटा नहीं, तो ना वर्क कर लाएगा तो हल्का हल्का, ये तो बंदा हो जाएगा। मम्मी सेम साड़ी पसंद नहीं आया आपको? हाँ पापा, आपको भी नहीं पसंद आया, पापा को भी नहीं आया, मम्मी को भी नहीं आया, बॉर्डर गंदा लगा। अच्छा है पहना, तो बहुत रिच लगेगा, पहन लो। अच्छा बता टॉफी पहना, बहुत रिच लगेगा, मम्मी साड़ी जाते तो ऊपर ले जाएगा। और मम्मी को ना मैंने जान मुझ के कॉस्ट भी नहीं बताया, क्योंकि कॉस्ट बताती तो पापा मम्मी दोनों मेरे पे बरस जाते, गुस्सा करने लगते कि क्या जरूरत था, क्योंकि आप लोग जानते हो ना मॉम डैड ऐसे ही होते हैं, मतलब अपने लिए अगर कुछ लाने के लिए बोलो तो कुछ नहीं लेके आते हैं, लेकिन अगर हमारे लिए लाने बोलो तो हमेशा फट से ले आते हैं, क्या चाहे जितने भी महंगी हो। तो आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं ये साड़ी लेके आई हूँ, भले ही मम्मी को पसंद ना आया हो, कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, मम्मी का एक सपना जैसे एक ड्रीम जैसा था कि मतलब एक महंगी साड़ी पहनने का, तो मैंने ना मतलब ये साड़ी बनारसी है, प्योर बनारसी साड़ी है, तो मैंने 10,000 की साड़ी लेके आई है, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब मम्मी के लिए। तो मेरी ये वाली जो पेमेंट थी यूट्यूब की, वो सारा मैंने मम्मी की साड़ी पर लगा दिया है, क्योंकि मम्मी का एक सपना था इसीलिए। एंड कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूँगी कि उनको खुश कर पाऊँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और मैं आई थी रील्स बनाने के लिए,
और पता है आपको, मैं 5 बजे का अलार्म लगाई लेकिन फोन साइलेंट पे कर दी थी, पता नहीं क्या, और फिर बज गया 6। मुझे लगा 6 बजे धूप आ जाएगा, लेकिन आज धूप बिल्कुल भी नहीं आया। देख रहे हो, मुझे लगा मम्मी कह रही है कि आज बारिश आएगा शायद, इसलिए धूप नहीं आया। बाकी मेरा आउटफिट देखो, यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है और वाइट शूज पहन लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये ड्रेस। और मैंने इस पर रील्स बनाया, तो मैं शॉर्ट्स भी डालूंगी बहुत जल्दी। तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीचे लिंक दी गई है, ठीक है? तो आप मेरे नीचे लिंक दिया रहेगा, क्लिक करोगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुँच जाओगे। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। और जिनको ऐसे ही जानना, तो अलका अग्रवाल ऑफिशियल सर्च करना आ जाएगा। के बज रहे हैं 6 और मम्मी पापा का चल रहा है चाय वाय पीना, साथ में मैं भी उड़ गई हूँ, तो मैं भी अब खाऊंगी टिकला और चाय जो मम्मी ने होली में टिकला बनाया था। चाय के साथ काफी मजा आता है, और पापा और हम तो चूर चूर के खाते हैं। क्या स्वाली नहीं, टिकला बोलते हैं हम लोग, मम्मी लोग स्वाली बोलती है। बाप रे, मम्मी को खांसी बहुत भयानक हो गया। पापा मैंने टिकला को चूर दिया है और पापा ने भी चूर दिया, लेकिन पापा के लिए चम्मच नहीं, चम्मच तो मैंने ले लिया है। मम्मी देखो एकदम मस्त भुजिया के साथ खाई, एकदम चाय वाय मस्त क्या। और मेरी बहन को देखो, तो आप इधर देख एक बार। सो गाइस, मेरी बहन भी रेडी हो गई, पूरा होली वाले रंग से देख रहे हो। देखो इधर टॉफी एक बार, ओह इधर मुँह खोल के क्या देख रही है ये, एकदम लिपस्टिक विपस्टिक लगा के बैठी है, क्योंकि ये जा रही है कॉलेज। हाय कर दो टॉफी, गुड मॉर्निंग बोलो, ऐसे हाय कैमरा के ऊपर क्या ऐसे बोलो, हाय हाय दिया मुंह में घुसा लो कैमरा मेरे। तो ये मम्मी खिला रही है इसको, ये खुद तो खा नहीं रही, नहीं खाई इधर रही, कैमरा के सामने ऑन करती, मम्मी को बोली हमको मत खिलाओ, चालाकी देख रहे हो इसका। तो यहाँ पे तोता और यहाँ पे कौवा आ गया, उसको देख कर तो इसको मैंने बोला अपनी बहन को, इसको यहाँ से हटा दो, देख रहे हो कौवा ही कौवा है। और अभी चील जाने का समय भी आ गया, चील भी हमारे घर के पास मतलब छत पे बैठ जाती है इस टाइम पे आके। नहीं बाहर नहीं रहेगा, वो मंदर कर रहे हैं। नहीं तुम जा चली जाओगी, देखेगा कौन पापा। अच्छा पापा क्या कौवा काट जाएगा तब समझ में आएगा। नहीं इसको पापा ऊपर ही रखो, और ये जा रही है कॉलेज के लिए। मम्मी मम्मी क्या कर रही है, चप्पल मम्मी तुम देगी क्या, जूता पहन ले क्या, और मास्क लगा के रहना वरना पुलिस पकड़ लिया, फाइन लग जाएगा 200 रुपए जैसे मेरा लगा था। खाना वाना खा लिया है, मैं सोकर उठ गई हूँ, मैं मतलब 10 मिनट सोई थी और सो के उठ गई हूँ। तो अभी ये मुझे कह रही थी घुमाने लेके जाने के लिए, देखो अब मैं हो गई। तुम नहीं बोली थी मान ले, हाँ तो उसका मन नहीं लग रहा था, तुम मेरे को नहीं बोली घुमाने लेके चल, घुमाने ये पलट गई कैमरा के सामने गाइस, देखा एकदम पलटी मार गई, हमेशा पलटी मारती है। तो मैं उसको अभी लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए, तो हम लोग जाएंगे कैफे। क्या मेरा बाल का कलर चेंज हो गया, इसका बाल का कलर पिंक हो गया पिंक हो गया। तो मैं हो गई हूँ रेडी, देखो पूरा बाल वाल बांध दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने रेड कलर का टॉप वेयर किया। और ये क्या वेयर करके मैं आपको दिखाऊंगी, मिरर को चुम्मा चाटी कर रही थी नहीं नहीं तो गाइस ये रेडी हो रही है, देख रहे हो, देख रहे हो इसको, देख रहे हो। तुम तो मेरे साथ जा रही हो, झूठ मत बोलो, चेंज हो जाती हूँ कैमरा चालू होते ही। अभी ये लिपस्टिक लगाएगी, ध्यान से देखना, इससे लिपस्टिक लगाना सीखने के लिए बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, देख रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इतना देर ये फोन पे बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मेरा जाने का टाइम हुआ तुरंत रेडी होगी, देख रहे हो ये हमेशा मेरा लेट कर देती है। अरे तो टाइम से रेडी हुआ करना यार, इतना लेट क्यों करती है। सुना है मोहब्बत करते हैं हमसे, मेरा आवाज कैसा हो गया, मेरी सब है सुबह है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए है तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला हो कि तू
तुम जिससे जुदा ओ दिखा कैसा लग रहा है, दिखा दिखा ना यार, ऐसे क्यों कर रही है, तेरे को दिखाएंगे, दिखा पहले, दिखा दिखा तो गाइस देखा इसका लिपस्टिक नहीं मिटा है, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा डार्क है, देख रहे हो इसको, जूता पड़ा है लेकिन फिर भी दूसरा जूता निकाल के पहन रही है, नया नया जूता में होता है ये, पहली बार तो हाँ तो वही तो बोल रहे, नया नया जूते में होता है, तो आज कितना खर्चा कराने का प्लान है? तो क्या तुम अकेले खर्चा करती हो क्या? तुम तो कभी कंट्रीब्यूट करती हो, जो खर्चा करते सब हम ही करते। सो गाइस मेरी बहन मेरे साथ कैफे नहीं आई क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैंने उसे बोला ना कि कितना खर्चा कराने का प्लान है, तो उसे ये चीज़ में गुस्सा आ गया कि तुम मेरे को ऐसा क्यों बोली, ये वो, तो मुझसे झगड़ा कर ली, तो वो नहीं आई, मैं अकेले आ गई। यार इतनी ज़्यादा गर्मी की मास्क लगा के ना हालत खराब हो गया, मतलब दम घुट जाता है, सांस उठने लग जाता है, मास्क लगा के, पर मास्क लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने सुना है कि फोर्थ आ रहा है कोरोना वायरस, और ऊपर से पुलिस भी घूम रही है कोलकाता में, तो जो मास्क नहीं लगाता ना उनको 200 रुपये चार्ज करती है और हाफ एन आवर बैठा के भी रखती है, इससे जो ला के जाऊँ क्या, पर हालत ख़राब हो जाती है यार, मैंने लिया है बहुत कुछ, बताती हूँ ऊपर जाके मेरी बहन क्यों नहीं है। भाई मम्मी का फ़ोन आ गया था आइसक्रीम लाने के लिए, लो पास्ता भी लाए हैं, आइसक्रीम, सुनो पापा का चॉकोबार नहीं कॉर्नेटो लाए पापा के लिए और आपके लिए, तो एक ही है, दो है, दो कॉर्नेटो है आपके लिए पापा के लिए, और एक मैंगो और एक चॉकोबार लाए, टॉफी से पूछने वो नहीं खाई, रस्ते में मिल गई थी हमको, तो आज हमने किया आइसक्रीम पार्टी, यो बिल्कुल सही गैस किया कि 2 अप्रैल को ही मेरा बर्थडे है, तो और बर्थडे में मैं आप लोग उससे एक गिफ्ट चाहती हूँ कि आप लोग मुझे दोगे, गिफ्ट ये है कि आप लोग मतलब मेरे बर्थडे वाले दिन मैं चाहती हूँ ना कि मेरे 1 लाख यूट्यूब फैमिली हो जाए, तो क्या आप एक छोटी सी विश मेरी पूरी करोगे, तो कमेंट करके बताना ज़रूर, तो जितनी हो सके मेरी वीडियोज़ को है ना आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दिया करो, एंड लव यू ऑल। हाँ एक्सटेंशंस का आप लोगों ने बोला था कि एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं कैसे नहीं, जैसे क्योंकि मैं लगाती हूँ तो एकदम ऐसा लगता है कि मैं ओरिजिनल हेयर लगा रही हूँ, एक्सटेंशन लगेगा ही नहीं, तो मैं कल का व्लॉग या परसों का व्लॉग ऐसा डालूंगी जो इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सटेंशन आप लोग कैसे लगाओ, जिनका हेयर छोटा है उनको प्रॉब्लम होती होगी कैसे लगाओ, और जिससे पता भी नहीं चलेगा, शादी वगैरह में लहंगा अपन पहनते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो लव यू ऑल, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।